अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खराफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल सना की दुनिया। आप लोगों के साथ ये मैं अपनी टिकट्स शेयर कर रही हूँ। हम जा रहे हैं घूमने फिरने पंजाब साइड पर। हम आ गए हैं शॉपिंग करके। जो मुझे थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी वो मैंने फ़ाइनली आज कर ली है और बस अब हम अभी ही घर आए हैं। और ये कुछ सामान है, ये तो हमारा बैग है जो हमारा घर से ही जाता है। इसमें पानी की बोतल होती है, मेरी शहजादी का एक बैग होता है इसके अंदर, उसके कपड़े और पैम्पर वगैरह होते हैं, इसलिए मैं इसको इसमें डाल लेती हूँ ताकि एक जगह हो जाए। बाकी हमारी चैट की शॉपिंग है इसके अंदर, चैट से जो लिया सामान वो है। और ये कुछ सामान हमने सदर जैनब मार्केट से लिया है, ये दो है। ये मैं आपको दिखाऊंगी भी मैं क्या लाई हूँ। अभी मैं आपको अपनी दुख भरी दास्तान थोड़ी सी सुना देती हूँ। अल्लाह मियाँ, ये देखिए मेरी बच्ची का काम। आवास ये अपने भाई की बोतल ले लेती है, अपना ड्रॉपर मुँह में होता है, भाई की बोतल से खेलती है। ये वो मेरा शहजादा है, आईपैड में आके मसरूफ़ हो गया, वहाँ पे बहुत थक गया था। बस मम्मी मैं थक गया, अब चलो जैनब में जाके। ये कैसी जगह है, इतनी गर्मी है, इतनी ज़्यादा आदत हो गई है मॉल्स वगैरह की या चेज़ या इम्तियाज़ में जाने की, कि वो अब इम्तियाज़ वो जैसे जैनब वाली जगह अब अच्छी नहीं लगती। हुआ कुछ यूँ, चेज़ वैली में हम गए तो उन्होंने जो लेडीज़ का फर्स्ट फ्लोर पर था पम्प्स वगैरह शूज़ कपड़े और ये वो, उन्होंने फोर्थ फ्लोर में कर दिया। लिफ्ट थी उनकी खैर से ख़राब, जैसे तैसे हम चढ़ गए ऊपर। और सीढ़ियाँ उनकी मुझे लग रहा था स्लॉप में होती ना, इस तरह से स्लॉप में थी। आगे शायद एक पट्टी वगैरह उन्होंने हर सीढ़ी पे लगाई हुई थी, वो भी अब ख़राब हो चुकी है, घिस चुकी है। तो वापसी में ना बस समझे फर्स्ट सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर में मैं पहुँची हूँ, मतलब ऊपर से जब नीचे आ रही थी, यानी नीचे से फर्स्ट और ऊपर से थर्ड में आई, एकदम से मेरा पैर पिछला और मैं धड़ करके नीचे गिर गई। मेरी शहजादी मेरी गोद में थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बस समझे लास्ट सीढ़ी से ही मैं इस तरह से एकदम से गिरी, कि बस लास्ट सीढ़ी से बस गिरना होता है, गिर गई। बस अपने देख लिया, पता चल गया मैं गिर गई हूँ। अच्छा मैं उठ भी गई, मतलब उठ गई, लेडीज़ आ गई, उन्होंने मेरी बेबी को पकड़ लिया और फिर उन्होंने मुझे उठाया। मैंने कहा नहीं नहीं मैं उठ जाऊँगी इजीली, बस मैं जैसे उठी हूँ उसके बाद मैंने नोट किया कि ये देखें अगर मैं दिखा सकूँ, मेरे दो नाखून जो है ब्रेक हो गए। ये वाला नाखून ये देखें ये टूट गया है, ये वाला दो तीन जगह से ब्रेक हो गया है। अच्छा अब यहाँ पर ना मुझे ये देखें, ये ज़रा सा यूँ भी लग रहा है ना, मुझे इतनी कोई तकलीफ़ हो रही है कि अब मुझे फ़ील हो रहा है कि वो जो गिरते हुए मैंने अपने आप को हाथ के बल से जो संभाला है ना, तो वो मेरी उंगलियाँ मुड़ गई और सिर्फ मेरा ये अंगूठा मुड़ा है। और यहाँ पे मुझे इतनी कोई तकलीफ़ हो रही है ना इस जगह पे, हड्डी पे मेरी, कि मैं चलते हुए अंगूठा रख नहीं पा रही। ये एक चीज़ हो गई मेरे साथ। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं शॉपिंग कर कर आ गई हूँ। उसके बाद चेस के बाद हम गए हैं वहाँ पे जैनब, मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं घर चलते हैं बस छोड़ो। मैं कहा नहीं नहीं यार कुछ नहीं हुआ, क्या हो गया, फर्स्ट सीढ़ी से धड़ करके गिरी हूँ, बस गिरी हूँ, बच्ची बच गई, मैं भी बच गई, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब फीलिंग आ रही है कि ये उंगली में थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है और ये मेरी हड्डी में भी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बस अब घर आए हैं। अब फाइनली अब आपको मैं दिखाऊँगी लास्ट में कि हम क्या क्या लाए हैं। बहुत ज़्यादा मैंने शॉपिंग नहीं की, नॉर्मल से शॉपिंग की, जो भी है वो भी सबको दिखाऊंगी। इस दफ़ा पूरी कोशिश कर रही हूँ कि वॉइस ओवर ना करना पड़े, बस जो बोल रही हूँ डायरेक्ट बोलूँ, सही बोलूँ गलत बोलूँ भाई बोल ही लूँ, क्योंकि वॉइस ओवर के चक्कर में, वीडियोस बनाने के चक्कर में मेरी वीडियोस रह ही जाती हैं, मैं कुछ नहीं कर पाती। लास्ट मेरा हमारा जो ट्रिप भी था सवाद का, अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़बरदस्त मज़ेदार ट्रिप था, बाय रोड ट्रिप था। और माशाल्लाह पूरी फैमिली, हम कोई तीन गाड़ियाँ निकली थी और एक इस्लामाबाद से ज्वाइन की, चार हमारी गाड़ियाँ थी। लेकिन कोई ट्रिप आज तक आप लोगों के साथ मैं शेयर नहीं कर सकी, क्योंकि वो वॉइस ओवर के चक्कर में और एडिटिंग के चक्कर में वो रह ही जाता है। तो मैंने सोचा इस दफ़ा तो बस डायरेक्ट डायरेक्ट बनाऊँगी और लाइव भी आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि वो जो बात के जो चक्कर होते हैं ना वो बंदे के रह जाएंगे। बस अब आगे आप सेकेंड जो वीडियो में बनाऊँगी वो मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं क्या क्या लाऊँगी, ठीक है। बस इस वक्त मैं अपनी अप्पी के घर पे मौजूद हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से लेने थे बैग वगैरह। ये देखें माशाल्लाह बच्चे खेल रहे हैं, मेरी शहजादी नासिका, क्योंकि अब तो नाम आप लोगों को बता चुकी हूँ, नासिका है, बख्तावर है और मेरा अरहम है। यहाँ ये अप्पी के स्टोर से बैग निकाल लिया है, एक ये बड़ा लिया है, दो छोटे, तो मैंने कहा यहाँ से झाड़ झूठ के लेके जाऊँ। तो ये हो गया, काशी गई थी मैं, काशी से ज़रा वैक्सीन वगैरह करवानी थी वो करवाई, तो आपको पता काशी में बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते वीडियो वगैरह, तो बस मुझे याद भी नहीं रहा, तो मैंने कहा चलो ये तो मैं बना लूँ ना, मैं बैग लेने आ गई हूँ। तो ये हो गया हमारा बैग रेडी, बस अभी हमारे साथ जाएगा, अभी हमारी होगी पैकिंग वैकिंग स्टार्ट। यहाँ पे खाने की भी तैयारियाँ हो गई हैं, सिस्टर ने हमारे लिए बनाई है निहारी, उसने कहा था खाना खा के जाना। ये जी आ गई हमारी मज़ेदार सी निहारी,
बस बहन के घर की वीडियो बस यहाँ पे ही एंड करूँगी, इससे ज़्यादा नहीं। अब फिर मुझे नेक्स्ट वीडियो के साथ जब मैं पैकिंग कर रही हूँ, यहाँ मैं अपनी पैकिंग स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैंने कहा जो सामान मैं लाई थी मैंने आपको दिखाया था कि मैं दिखाऊंगी, यह मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं जल्दी जल्दी दिखाऊंगी ताकि बहुत लंबी वीडियो ना हो जाए। ये देखें, ये बच्चे आए हुए सब, ये जाने की तैयारियाँ हो रही हैं। मोहम्मद शांजिल, ये मेरा अरहम है। अब ये लोग खामोश नहीं हो रहे, इनको मैं कह रही हूँ खामोश हो जाओ भाई, ये लोग खामोश नहीं हो रहे। ये देखें मेरी शहजादी की एक छोटी सी शर्ट है, एक ये सूट है बिल्कुल पठानी स्टाइल का, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, थोड़ा मोटा है। और ये खाने के लिए, ये वैसे तो मैंने अलग से ली थी लेकिन अब इसके साथ में रख रही हूँ तो देखें बहुत अच्छी लग रही है ना, बहुत अच्छी सी लगेगी ये। और ये मैंने अपने दोनों बच्चों के सेम लिए हैं, ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे और मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है कि मेरे दोनों बच्चों के सेम सेम हो, तो ये मैंने लिए। ये मेरी बेटी को भी थोड़ा बड़ा था लेकिन साइज़ का मसला था, मैंने ले लिया, मैंने कहा चलो कोई नहीं। और अरहम को भी मेरा ये थोड़ा सा बड़ा है लेकिन अब वही बात, साइज़ के इशू हो जाते हैं, तो फिर मैंने कहा बस ठीक है, सही है, चलेगा, सब चलेगा। ये वहाँ पे इस पे कुछ सेल वगैरह लगी हुई थी तो ये भी ले लिया। ये मेरे अरहम के ग्लासेस, ये मेरे पम्प्स जो मेरे हस्बैंड ने पसंद किए, ये थे, ये उन्हें बहुत अच्छे लगे थे। इसमें बहुत और भी बहुत सारे कलर्स थे लेकिन मैंने कहा ब्राउन ठीक है, हर सूट में चल जाएगा। और जनाब ये देखें मेरी बब्बू आ गई, ये देखें ये आ गई हम लखनऊ। अब बब्बू नहीं, अब नासिका, क्योंकि अब मैं इसका नाम रिवील कर चुकी हूँ, मेरी शहजादी का नाम है नासिका। नासिका, ये अरहम के ट्राउज़र्स लिए हैं ब्लैक, और ये थोड़े मोटे हैं ताकि सर्दियों के भी कवर हो गए। ये शहजादी के मेरी टाइट्स हैं दो। और यहाँ सबसे ज़्यादा मैंने शॉपिंग जो की है अपने हस्बैंड की है। ये देखें, ये मेरे हस्बैंड के पैंट ब्लैक है, एक ये बहुत ही प्यारा सा कलर है, आई थिंक जिंक पे जा रहा है, ये जिंक है। और एक ये है डार्क ब्राउन सा है आई थिंक, ये तीन कलर हैं तो डिफरेंट। और ये मेरे हस्बैंड के ट्राउज़र हैं। इसके अलावा इनके ये भी आए हैं, ये भी दिखा देती हूँ, ये हमने चेस से नहीं लिए, लोफर। बस अब फाइनली मैं आपको अपनी कंप्लीट पैकिंग करके दिखाऊंगी कि बस मेरी पैकिंग हो गई है और मेरा रेडी है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप के साथ। यहाँ पर मैं अपना मेडिसिन्स का एक पाउच बना रही हूँ, इसमें ज़रूरत की हर चीज़ है, सनी प्लास्ट है, ये मैं अपनी एक देखें क्योंकि बच्चे साथ हैं तो बच्चों के हिसाब से हर चीज़, पैनाडोल सीरप आयोडेक्स, पैनाडोल की एक दो पत्ते मैंने यहाँ रख दी है। इसके अलावा ORX भी मैंने रखा है, सनी प्लास्ट है, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अपने बैग में रखूँगी। ये शहजादी की मेरी दवाई है, नासिका की ये गोल्डन बर्ड्स, ये सब चीज़ें। अब पता जब बच्चे साथ हो तो हर चीज़ का बहुत ख्याल रखा, ये अच्छा सा खासा पाउच बन गया। साथ मैंने कहा ये भी रख देती हूँ और एक कॉटन का पैकेट भी, ये सब चीज़ें हमारी हो गई हैं। बाकी ऐसा ऐसा जो जो याद आता जा रहा है वो भी सब में रखती जा रही हैं ताकि कुछ रह ना जाए। ये मेरे अरहम की ड्राइंग बुक है, क्या तो मम्मी मेरे रास्ते में ड्राइंग करते हुए जाना, मैंने कहा चलो ठीक है, तो ये इसकी ड्राइंग बुक है। तो ये बस ऐसा ऐसा सारी तैयारियाँ अलहमदिल्ला हो रही हैं। माशाल्लाह ये मेरी बेटी रेडी हो गई है, नासिका से देखे मम्मी से, ये माशाल्लाह ये अपने भाई का सूट पहनी हुई है, अरहम का सूट पहनी हुई है, अरहम जब छोटा था ये तब का सूट पहनी हुई। हम भी रेडी हो गए, बच्चे दोनों रेडी हो गए, दीदी भी बिल्कुल तैयार हो गए, बस मम्मी ले गई हैं और बाकी सब तैयारियाँ मेरी सास चल रही है। अभी भी पैकिंग काफ़ी चीज़ें रहती हैं क्योंकि सब कह रहे हैं कि सर्दी हो गई है, वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी है पंजाब साइड पर, तो मोटे कपड़े वगैरह ज़रूर रखना, कपड़े रखें तो अभी एक एक आध ज़रा जर्सी वगैरह इस टाइप की चीज़ें रखेंगे। अच्छा ना बिट्टू, अच्छा सही है। ये जी हमारी पैकिंग हो गई है, ये सारे बैग तैयार हुए मेरे, ये देखें 1 2 3 4 नाना करते भी 4 बैग तैयार हो गए हैं। ये ब्लैंकेट है, सिंगल ब्लैंकेट है, ये साथ हो जाएगा। और यहाँ पे देखें पूरा ढेर लगा हुआ, अभी ये सिमटना है सारा। ये चिप्स वगैरह हैं बच्चों की, हम भी खाएंगे साथ साथ। ये कुछ डिंकों का कुछ सामान लिया है और ये कुछ खाने का मैक्रोनी है, सैंडविच है, कबाब है, बॉयल मैंने कर लिए है, क्या है खजूर है। ये जमजम मैंने रखा है, प्योर जमजम है, सिस्टर ने दिया था, मैंने कहा ये भी रख लेती हूँ रास्ते में बच्चों के लिए। लंबी लिस्ट है यहाँ पर, मैं जाती जा रही हूँ आप देखते जाओ। ये मेरा बैग है जो बिल्कुल फुल है, इसकी जिप भी बंद नहीं हो रही। और दवाइयाँ मैं आपको दिखा चुकी थी, ये मेरी बेटी का डलिया है जो का,
ये मेरी बच्चों के ट्वाइस है। देखो पीछे जो बैठे हुए ना वो कुछ बोलना चाह रहे हैं, वो कह रहे थे हम पीछे से ज़रूर बोलेंगे। मैं कहा भाई खामोश हो जाए ना, वॉइस ओवर नहीं करना पड़ेगा, बड़े बदतमीज़ बच्चे। अच्छा ये हमने मार्क्स लिया है क्योंकि लाहौर की आबो हवा आपको पता है बहुत ख़राब है। वैसे तो मेरे पास कपड़े के मार्क्स हैं लेकिन फिर भी हमने एक बॉक्स एहतियातन रख लिया है ताकि अच्छा होता है। ये मेरी बच्ची के सारे ट्वाइस हैं, ये देखें उफ़ बच्चों वालों का ये हाल है। मेरा तो सारा सामान, ये कुछ शैम्पू बच्चों के, टूथपेस्ट वगैरह, ये सब हमारा सामान है। बस यहाँ पे अपनी इस वीडियो को एंड करूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मैं आपसे रास्ते में मिलूँगी या लाइव कर सकी, सिग्नल आए तो लाइव करूँगी, नहीं तो फिर वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।